जब आप जेवर के साइड में जाएंगे ना, ये यमुना एक्सप्रेस वे यूज़ करते हुए, तो इसके लेफ्ट साइड में एक प्रोजेक्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कृष्णा जी की यहाँ पे मूर्ति बन रहा है, और सामने एक ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है गौड़ यमुना सिटी, GYC के नाम से है, और ये अपने आप में एक टाउनशिप है पूरा। इसके अंदर आपको लेक, स्टेडियम, इंडिपेंडेंट विलाज है, फ्लैट है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, प्लॉट्स है, सब कुछ है। और ये कौन सा प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं? इस प्रोजेक्ट को दिखाने का मेरा मतलब यही है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। क्योंकि देखिए, हम लोग जो फ्री होल्ड प्लॉट दिखाते हैं वो रेरा वाला नहीं होता है, वो जस्ट आपका फ्री होल्ड होता है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्री और मोटेशन दिया जाता है। बट ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हो ये रेरा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो रेरा अप्रूव है, इसके अंदर आपको सीवर, पार्क, स्टेडियम, ये सब कुछ मिलता है। और मैं बता दूँ, यहाँ पे जो प्लॉट है ना वो तकरीबन आपको 40,000 प्लस का रेट है यहाँ पे गज के हिसाब से। तो आप समझ सकते हो कि मिनिमम यहाँ पे जो 105 गज 110 गज का जो प्लॉट होता है ना, उसको भी लेने के लिए कम से कम आपके जेब में 45 से 50 लाख रुपए होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे रेरा वाला प्लॉट मिलेगा। क्योंकि जब भी देखो कोई भी हम लोग वीडियो डालते हैं, लोग एक ही क्वेश्चन करते हैं, रेरा है कि नहीं है, रेरा है कि नहीं है। तो भैया, रेरा वाला प्रोजेक्ट ऐसा होता है जहाँ पे आपको रेरा वाला जो प्रोजेक्ट होता है ना वो बहुत कॉस्टली होता है। 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 में आपको रेरा वाला प्रोजेक्ट नहीं मिलता। ये चीज़ आप सोच लीजिए, जब भी आप YouTube पर किसी की वीडियो देखते हो, किसी की भी, जो आप लोग बोलते हो कि रेरा है क्या, तो रेरा आपको 5-10,000 रुपये गज में नहीं मिलता, वो फ्री होल्ड होता है, जहाँ पर सिर्फ आपको रजिस्ट्री और मोटेशन दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपके बजट है 40-45,000 रुपये गज लेने का, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको GYC इस प्रोजेक्ट में भी आपको प्लॉट दिला सकता हूँ। 110 गज का प्लॉट होगा मिनिमम, और 40 से 45-50 लाख का बजट होना चाहिए।